आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आ गए हम नर्सरी पे, और नर्सरी पे आते ही ऐसे ग्रीन पौधे हमें देखने को मिल गए हैं। तो ये है डिफिनबाकिया, आज इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत बधाई। सावन स्टार्ट हो गए, और कमेंट में जय भोले की जरूर लिखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप शुरू करते हैं अपनी नर्सरी की वीडियो प्लांट के। तो आज का प्लांट है हमारा डिफिनबाकिया। तो डिफिनबाकिया में देखिए, ये जो वेराइटी है बहुत कम ही नर्सरी पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी पहचान आपको बता देते हैं, इसके देख सकते हैं बड़े साइज के पत्ते होते हैं, और इस डिफिनबाकिया का नाम है डिफिनबाकिया वाइट। तो देख सकते हैं इसके वाइट पत्तों पर शेड आ रखा है, और देख सकते हैं छोटे से गमले में और कितना बड़ा सा प्लांट है। और ये सब जो कमाल है ना, ये जो बरसात का कमाल है, आप सावन में पौधे लगाइए, आपके पौधे बहुत ही ग्रो होंगे तेज़ी से। देख सकते हैं इसमें से बेबी प्लांट निकल रहे हैं, साइड से देख सकते हैं। तो बरसात का समय बहुत ही बढ़िया होता है प्लांट लगाने का। आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आए, और बस उसको लाके मिट्टी में लगा दीजिए, बस आपको कोई देखभाल नहीं करना है। तो ये डिफिनबाकिया है, अगर आप अपने नर्सरी पे आसपास जो आपके घर के नर्सरी उस पर पता करें, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसके पत्ते देखने पे ऐसे लगते जैसे असली ना हो, जैसे ये आर्टिफिशियल जो होते हैं पत्ते, जो कपड़े के बने हुए रहते हैं वैसे लगते, पर ये असली प्लांट हैं। एकदम आप अपने घर के अंदर लगाते हैं ना, तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट आपको आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट का जो कॉस्ट है, वो नर्सरी पे आपको 200 से 250 रुपए प्लांट आपको मिल जाएगा, और इसका नाम है डिफिनबाकिया वाइट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देख सकते हैं इसके लीव की ही खूबसूरती, इसमें कोई फ्लावर नहीं आता है। और इसकी अभी हम दूसरी वैरायटी आपको दिखाते हैं, जो कि कॉमन होती है, जो कि अक्सर नर्सरी पे मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है इसकी दूसरी वैरायटी, पर ये इसके भी पत्ते की काफ़ी खूबसूरती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के पत्ते होते हैं। पर इसमें एक जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, वो क्या है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वैरायटी को आप ना लगाएं, क्योंकि इसके पत्ते में जो होता है कि पॉइजन होता है, जहर होता है। अगर इसका पत्ता कोई तोड़ के बच्चा मुंह में रख ले तो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, ऐसा कहा जाता है। काफ़ी लोग, हमने फ़िलहाल तो हमने तो ये ऐसा चेक नहीं किया है, पर अगर इसको कई जगह मैंने सर्च किया है तो उसमें इस प्लांट को जो है कि पॉइजन बताया जाता है। तो आप इस वैरायटी को ना लगाएं। देख सकते हैं ये भी छोटे से गमले में, पॉली बैग में लगा हुआ है, सॉरी ये, और इसकी कटिंग भी लगती है। आप इसकी कटिंग भी लगाएंगे तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप इस तरह के प्लांट बाय कर सकते हैं, जो कि 150 रुपए में आपको ये वैरायटी मिल जाएगी। और इसके पत्तों पर देख सकते हैं शेड है वाइट का, और काफ़ी खूबसूरत ये भी प्लांट है, एयर प्यूरीफाई है। नर्सरियों पे बहुत ही आपको मिल जाएगा, और इसकी कटिंग आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। आप एक प्लांट ले जाके इससे कई प्लांट बना सकते हैं। अगर आप इसकी जो ट्रंक है वो ट्रंक बड़ा सा लें, और उसकी छोटे छोटे पीस करके मिट्टी में आप लगा देते हैं, तो काफ़ी सारे प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे इस तरह के, देख सकते हैं खूबसूरत, जिसका नाम है डिफिनबाकिया। इसकी कॉमन वैरायटी है, तो आप देख सकते हैं, और इसके पत्ते जो है उसी की खूबसूरती, इस पर कोई फ्लावर नहीं आता है। तो अगर आपने ये प्लांट अगर बाय नहीं किया है तो आप भी नर्सरी पर जाके बाय कर सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, छोटे बच्चे आपके घर हैं तो आप इस वैरायटी को ना ले जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिंगोनियम, ये है छोटे लीव्स वाला सिंगोनियम। देख सकते हैं इसके छोटे पत्ते होते हैं, और इसको बोलते हैं वाइट सिंगोनियम। देख सकते हैं इसके पत्ते जो है कि वाइट हैं, तो इसको वाइट सिंगोनियम कहते हैं। और छोटे से गमले में लगा है, जो कि 6 इंच का गमला है, और ये प्लांट आपको नर्सरी पे 50 रुपए में मिल जाएगा, कहीं 60 रुपए प्राइस, 50 रुपए, डिपेंड करता है आपकी नर्सरी किस एरिए में है, किस जगह है आप, उस जगह के एरिए के हिसाब से इस प्लांट का कॉस्ट
होता है। मेरी नर्सरी पे 50 रुपये प्लांट आपको ये मिल जाएगा। ये वाइट सिंगोनियम है और ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है, आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। ये जितने भी प्लांट आपको दिखा रहा हूँ सब एयर प्यूरीफाई हैं, तो इस तरह के प्लांट भी आप बाय कर सकते हैं। और इनकी भी कोई ज़्यादा केयर नहीं है, बस आप ले जाएं और घर पे लगा दें, कोई ज़्यादा केयर नहीं है। तो ये प्लांट भी आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। चलते हैं अपने मनी प्लांट के तरफ। तो ये देखिए, ये है इसकी मिनिएचर वैरायटी मनी प्लांट की, जो कि हैंगिंग पोट में ही लगाई जाती है। देख सकते हैं, इसको आप हैंग कर सकते हैं। इसको अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आप अपनी जो बालकनी है वहाँ पे ऐसे इसको हैंग कर दें, लटका देते हैं, तो इसकी जो मनी प्लांट की ब्रांचें वो नीचे लटकने लगेंगी। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये, आपको नर्सरी पे 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, कहीं 80 रुपये, कहीं 100 रुपये, ऐसे प्राइस इसकी ऊपर नीचे रहती है 10-20 रुपये। और मेरे इधर इसका 100 रुपीज़ प्राइस है, कभी कभार मैंने इसे 60 रुपये भी देखा है रेट कई नर्सरियों पे। तो बाकी अपने आसपास की लोकल नर्सरी पे आप पता कर लेना। बाकी बरसात का समय कटिंग आप लगाएं तो ये प्लांट लग जाएंगे। फिर देख सकते हैं इधर कुछ प्लांट हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ नई वैरायटी है, इसका मुझे नाम नहीं पता, मैं इसका नाम स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप देख के इसको सर्च कर लेना। और इसके पत्ते देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के हैं। अभी मुझे इस प्लांट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं भी इस प्लांट को पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपने इस प्लांट को लगा रखा है और आप इसकी केयर के बारे में जानते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े साइज के हैं, और देख सकते हैं इस तरह का प्लांट है। तो जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय भोले की कमेंट में ज़रूर लिखें।